वेलकम टू माय चैनल मायर हाथेर रान्ना। तो अगेन गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मसाला फिश ग्रेवी। तो ये बंगाली रेसिपी है, रेसिपी बहुत टेस्टी है, आप देख के समझ ही रहे होंगे। अगर रेसिपी आपको अच्छा लगा तो एक बार आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। तो चलिएगा इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया है 1 किलो फिश, तो उसमें हम सॉल्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून और हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फिश यहाँ पे मिक्स हो चुका है, अब इसको हम फ्राई करने के लिए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिश फ्राई के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें हम 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम मछली को फ्राई कर लेंगे। तो मछली फ्राई हो चुका है, अब ग्रेवी के लिए हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 2 तेज़पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको प्याज को फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मसाला ऐड करके मसाला को फ्राई कर लेंगे। मसाला भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल के टमाटर को भी हम फ्राई कर लेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे।
हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करके मिक्स कर लेंगे दोबारा से। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1 मिनट तक पका लेंगे। तो मसाला 1 मिनट तक पक चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और थोड़े से धनिया पत्ता। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे फिर से। तो मसाला पेस्ट जो था अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करके इसको हम पका लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम इसमें फिश फ्राई का हेड जो था वो डाल देंगे, डाल के इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। मैंने इसमें मछली के सर के साथ साथ 2 पीस मछली भी डाला है, आप चाहो तो डाल भी सकते हो, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, आप ऐसे भी बना सकते हो। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा आता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। मछली ग्रेवी बनके रेडी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। उसके बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मछली मसाला ग्रेवी बनके एकदम रेडी है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस कितना इजी और सिंपल तरीके से बन गया है बंगाली फिश मसाला ग्रेवी। आप इस ग्रेवी को अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा, आपके फैमिली मेम्बर को भी पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको हिट कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके।